ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में फंसे आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को आज चुनाव आयोग में अपना जवाब दाखिल करना है। आयोग ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को जवाब देने के लिए आज की डेडलाइन तय की है। पहले चुनाव आयोग ने सभी 21 विधायकों को 7 अक्टूबर का समय दिया था, जवाब जमा करने को कहा था, दाखिल करने को कहा था। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने असमर्थता जाहिर की, अपील की कि उन्हें मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कुछ थोड़े से और कागजात जमा करने हैं, इसलिए टाइम दिया। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को 17 अक्टूबर का टाइम दिया गया, जो डेट आज है। चुनाव आयोग ने इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले प्रशांत पटेल को भी अपना पक्ष रखने के लिए 21 अक्टूबर तक का समय दिया, यानी कि आज डेडलाइन आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को है कि भैया आप अपना प्रूफ दीजिए, अपने आप को डिफेंड करिए, और उसके बाद जो भी कुछ होता है अगर डिफेंड करते हैं तो उस कोर्ट का चुनाव आयोग का निर्णय, नहीं डिफेंड करते तो चुनाव आयोग, पहले भी आपको याद होगा बोल चुका है चुनाव आयोग कि आपने अगर हमें सबूत नहीं दिए तो हम मानकर चलेंगे कि हमें अपनी मर्जी से और जो हमारी कार्रवाई है वो हमें करनी है। 21 अक्टूबर का इसीलिए प्रशांत को टाइम दिया गया है, जो इस मामले में याचिकाकर्ता है प्रशांत पटेल को अपना पक्ष रखने के लिए 21 अक्टूबर का टाइम दिया गया। अगर पक्ष नहीं रख पाते चुनाव आयोग बहुत ही सख्त एक्शन यहाँ पर 17 अक्टूबर आज है किस विधायकों के खिलाफ, जिन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बीन संसदीय सचिव की नियुक्ति जो उनकी हुई है बताया जा रहा है कि ये अवैध है क्योंकि सीधे लाभ का पद उनके अंडर आता है, तो उनकी विधायकी रद्द कर दी जाए। ये पूरा मामला भी अपने दर्शकों को लगातार जो मैं बता रही थी उससे जुड़े ग्राफिक्स भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 2015 में संसदीय सचिव उन्हें बनाया गया था, संसदीय सचिव जब उन्हें बनाया गया तो बोला गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आता है, कायदे से कोई विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रख नहीं सकता है। तो ये जो प्रशांत पटेल ने याचिका डाली इस पर सुनवाई हुई, तमाम पक्ष रखे गए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत अगर कोई भी लाभ लेने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक पाए जाते हैं तो 21 के 21 विधायकों की विधायकी की जाएगी, सरकार अनस्टेबल हो सकती है। बागी विधायक वही देवेंद्र सहरावत भी आज पार्टी के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। देवेंद्र सहरावत आज दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दावा यह है कि पार्टी को मिले 16 करोड़ के चंदे के मामले में उनके पास एक अहम दस्तावेज है। देवेंद्र सहरावत का आरोप है कि पार्टी में चंदा लेने में ही धांधली हुई है। आम आदमी पार्टी के या तो विधायक दिल्ली में घिर रहे हैं, किसी न किसी स्कैम में फंस रहे हैं, किसी न किसी बवाल में फंस रहे हैं, मंत्री विवादास्पद बयान उनके दे देते हैं, सांसद सिक्योरिटी ब्रीच कर लेते हैं, लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जो गले की हड्डी बन गए हैं, वो बागी हो गए हैं, इसीलिए अब उन्हें आम आदमी के खिलाफ जो प्रूफ है वो इकट्ठा करके मीडिया में लाने की वो हिम्मत दिखा रहे हैं। देवेंद्र सहरावत के पास काफी प्रूफ है कि पार्टी को जो चंदा मिला उसमें बड़ी धांधली हुई है और जनता का पैसा कहां पर जा रहा है, इससे जुड़े तमाम दस्तावेजी सबूत वो देने वाले हैं। लगातार दिक्कतें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ रही हैं, कई विधायक गिरफ्तार हो रहे हैं, कई पकड़े जा रहे हैं, कई हिरासत में ले रहे हैं, कई आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कई लाभ के पद है, तो कहीं विधायक बागी हो गए और आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कतों का काम कर रहे हैं। तो अच्छे दिन पार्टी के जब दूसरी बार सेलेक्ट हुई थी तो उसने बोला था हम प्रो पब्लिक हैं, लेकिन लगातार इस तरीके की केसेस आए, चाहे विधायक सांसद या मंत्री के लेवल में हो या नेताओं के रूप में हो, जो आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बढ़ाने का ही काम करते आए। अच्छा, हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ है। दो खबरें आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। पहली खबर सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो संसदीय सचिव की नियुक्ति का मामला है, जिस पर चुनाव आयोग आज फैसला लेगा। 17 अक्टूबर का टाइम दिया था, विधायक अगर पक्ष दाखिल करते तो ठीक है, नहीं तो चुनाव आयोग ब्रिजेश कह ही चुका है आपने पक्ष नहीं दाखिल किया तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, ये बोल चुका है चुनाव आयोग। तो हम ये समझे अगर पक्ष दाखिल नहीं किया सबकी विधायकी की गई दिल्ली में फ्रेश इलेक्शंस, और अगर दाखिल किया तो प्रशांत पटेल को भी 21 अक्टूबर तक का टाइम है। बिल्कुल, देखिए निहारिका, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के लिए आज बेहद ही मुश्किल दिन है। दरअसल आज वो आखिरी डेडलाइन है, चुनाव आयोग ने आज तक का समय मुकर्रर किया था कि आज आप एफिडेविट दाखिल कीजिए और अपने सारे जो भी जवाब हैं लाभ के पद को लेकर के जो भी आपकी सफाई है उसको आप बाहलफ आज प्रस्तुत कीजिए, और आज के बाद उसके बाद आयोग ये जो शिकायतकर्ता को देगा और शिकायतकर्ता इसको लेकर के 21 तारीख को रिज्वाइंडर दाखिल करेगा, और उसके बाद 21 तारीख के बाद फाइनल जजमेंट किसी भी वक्त आ सकता है। तो अब कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के लिए जो 21 विधायक हैं उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम मुश्किलें सामने आ रही हैं, एफिडेविट में भी वो आखिर क्या कुछ अपने सफाई में कहेंगे, क्योंकि कई जो दिल्ली सरकार से जो रिपोर्ट मंगाई थी आयोग ने, जो अलग अलग विधायकों से जो उन्होंने पहले हलफनामे लिए थे उसमें अपने आप में क्रॉस मैच है, अलग अलग तरीके की दलीलें दी गई हैं, और उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि वो
तमाम इस मामले को लिंगरान करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, और यही वजह है कि अब लगातार मुश्किलों फंसते चले जा रहे हैं। आज देखना होगा कि किस विधायक अपना एफिडेविट में क्या बहुत संक्षेप में ब्रिजेश टाइम क्या है, फैसला कब तक आ सकता है, उसमें किस तरह का रिजॉइंडर दाखिल करता है, और आखिर में अब आयोग के ब्रिजेश आवाज आ रही है आपको जी, अपना सवाल दोहराइए, टाइम क्या है, फैसला कब आएगा जी। देखिए आज 2 बजे के बाद किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी के जो 21 विधायक हैं वो आयोग प्रस्तुत होंगे और हलफनामा देंगे, अपना अपना जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद आज कोई हियरिंग नहीं होगी महत्वपूर्ण, आज केवल इतना काम होगा कि सारे 21 विधायकों के जो जवाब हैं उनके अधिवक्ता के माध्यम से जो है आयोग उनके बिल्कुल 2 बजे का दोपहर 2 बजे का हमें इंतजार है, 21 अक्टूबर का भी इंतजार है, हो सकता है चुनाव कुछ निर्णायक फैसला ले। आप नजर बनाए रखें, धन्यवाद अपडेट देने।